अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 केमिस्ट्री लेसन 4 वाटर पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, आज करेंगे पार्ट 3 पेज नंबर 38। द टॉपिक इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, क्लीनिंग एट होम। पानी में घर पे कैसे पानी को क्लीन करेंगे। द वाटर विच वी यूज़ इन अ होम मे नॉट बी क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये कुछ मेथड्स यहाँ पे दिया हुआ है जिसके वजह से हम लोग पानी को क्लीन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय बॉइलिंग। पानी को बॉईल करना पड़ता है 15-20 मिनट्स के लिए ताकि सारे जर्म्स और बैक्टीरिया उसमें किल हो जाएं। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करेंगे घर पे ताकि सारे जर्म्स और बैक्टीरिया किल हो जाए। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4। एंड द लास्ट मेथड इज़ बाई यूजिंग वाटर फिल्टर। आजकल जो फिल्टर्स अवेलेबल है मार्केट में उसमें पोर्सलिन कैंडल्स होता है। ये कैंडल्स क्या करता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्योरिफिकेशन इन वाटर टैंक्स। इसका मतलब ये है कि सिटीज़ और टाउन्स में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है गवर्नमेंट, उसको नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है बिफोर इट इज़ सप्लाइड टू द सिटीज़ एंड टाउन्स। दीज आर द प्रोसेस हियर, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। तो इसको समझने के लिए वी हैव टू लुक एट फिगर 4.6। यू कैन सी दिस एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले वाटर इज़ ट्रांसफर टू द सेडिमेंटेशन टैंक, देन टू फिल्ट्रेशन टैंक एंड देन क्लोरिनेशन टैंक। After that, this water is supplied to the cities and towns. First one is sedimentation. What is sedimentation? सबसे पहले पानी, जो पानी sources से पानी निकाल के हम लोग sedimentation tank में रखते हैं, वहाँ पर ये सारे impurities को settle down करने दिया जाता है। Then it is loading. Sedimentation tank में क्या होता है, एक chemical है जिसका नाम है alum. इसका formula है Al2SO4, sulfate of aluminium. ये add करते हैं हम लोग sedimentation tank में। ये क्या करता है, सारे इम्प्योरिटीज़ को क्रिस्टलाइज कर देता है एंड इट सेटल्स डाउन। यही प्रोसेस का नाम है लोडिंग। थर्ड वन इज़ फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेड वाटर, ये जो सेडिमेंटेशन टैंक में जो वाटर होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन टैंक में। वहाँ पे क्या होता है, ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो जितने सारे इम्प्योरिटीज़ है सस्पेंडेड, वो सब रिमूव होता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। एंड द लास्ट वन इज़ क्लोरिनेशन। ये जो वाटर फिल्ट्रेशन टैंक में फ्लो करता है, अब फिल्ट्रेशन टैंक से पानी कहाँ जाएगा, क्लोरिनेशन टैंक में। पहले ही बता चुके हैं कि फिल्ट्रेशन के बाद पानी जाता है क्लोरिनेशन टैंक में, जहाँ पे क्लोरीन ऐड होता है पानी में ताकि जितने सारे बाकी बैक्टीरिया बचे हुए हैं वो रिमूव हो जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरिनेशन। नाउ द वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब ये आराम से वाटर सप्लाई हो जाता है सिटीज़ और टाउन में। वाटर पॉल्यूशन। Various pollutants like domestic sewage, chemicals, oil spill and also bacteria and viruses make the water harmful for the consumption for human being. बहुत सारे ऐसे pollutant हैं जैसे कि domestic sewage, chemicals, ये क्या करता है, पानी को pollute कर देता है and that is not fit for human consumption. इसी को हम लोग बोलते हैं water pollution. क्या causes होता है, what are the causes of water pollution? तो सबसे पहले है कि जितने सारे chemicals जो paints और textiles से निकलते हैं वो directly water में चले जाते हैं। ये केमिकल पल्यूटेंट, इसमें मर्क्यूरी और लेड होता है जिसके वजह से हेवी लॉस होता है मरीन लाइफ और प्लांट लाइफ को। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसमें पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड आता है, वो भी पल्यूट करता है पानी को। स्वेज एंड गार्बेज, ये भी डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली रिवर में जिसकी वजह से पानी पल्यूट होता है। ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, यानी कि जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है ह्यूमन और एनिमल का, वो डिस्चार्ज होता है ओपन में जिसकी वजह से पानी पल्यूट होता है और बहुत सारे वाटरबोर्न डिजीज़ होते हैं। वाटरबोर्न डिजीज़ वो डिजीज़ है जैसे कि जो पानी से डिजीज़ होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा एक्सेट्रा। तो ये सब डिजीज़ होने का भी खतरा होता है अगर ये पानी पल्यूट हो गया। लास्ट वन इज़ हॉट वाटर। ये थर्मल पावर प्लांट से जो गर्म पानी निकलता है वो डायरेक्टली डिस्चार्ज होता है वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि रिवर्स, लेक्स में। इससे क्या होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को बहुत हार्म होता है। तो दीज आर द कॉजेज। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन। ये वाटर पोल्यूशन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग को प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ेगा रिवर में डालने से पहले। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर टॉयलेट का यूज़ करना पड़ेगा कि जितने सारे ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो डायरेक्टली एंटर ना करे पानी में। हॉट वाटर, ये थर्मल पावर
प्लांट से जो हॉट वाटर निकलता है उसको ठंडा करना पड़ेगा रिवर में डालने से पहले। लास्ट वन इज, ये जितने सारे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो फार्मर्स यूज़ करते हैं इनका यूज़ हमको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे बचा के रखेंगे। सबसे पहले कि उसको वेस्ट नहीं करना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे मेजर्स हैं जो हम लोग ले सकते हैं जिसकी वजह से वाटर पल्यूट होने से बच सकता है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना, और ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल मिल सके। मैन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन, सो ही हैज़ टू बी मोर कॉन्शियस टू सेव वाटर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। हम लोग ही मेन वजह है वाटर को पल्यूट करने के लिए, इसीलिए हम लोग को कॉन्शियस होना पड़ेगा और पानी को पल्यूट होने से बचाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, ये लेसन फोर हम ख़त्म कर चुके हैं। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड, ये लेसन फोर ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड असाइनमेंट हम आप लोग को दे देंगे। अस्सलामुअलैकुम।